हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो भाई, सुबह के 5:30 बजा हुआ है और भी काफ़ी अंधेरा सा है। 6 बजे के पहले ना उजाला नहीं होता है, लेकिन जो सुबह के काम होते हैं वो सुबह ही करने होते हैं। तो दिवाली से मैंने अपने दरवाजे पे उरण डालना शुरू किया, तो अब तो ठाकुर जी चाहेंगे तो रोज ही ये सारे काम होंगे। तो जो भी बाहर के काम थे, झाड़ू लगाना, दरवाजा साफ करना, वो सारा हो गया। फिर मैंने अपना मुंह धुला और सीधे किचन में आ गई, क्योंकि सबसे जरूरी काम होता है गर्म पानी पीना, और सर्दियों में तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो पानी मैंने गर्म किया, इसके बाद एक कप चाय भी बनाई और फिर सीधे छत में आ गई। मेरे ये सारे काम होते हुए नीचे का भी जो काम होता है ना, झाड़ू पोछा वगैरह, वो सब करने के बाद जब मैं ऊपर आई तो काफी हद तक उजाला हो चुका था। और फिर मैंने योगा व्यायाम करके पूजा किया ऊपर शंकर भगवान की। और कुछ मैंने पालक के छोटे छोटे से गमलों में जो बीज डाल रखे हैं, तो कुछ पालक, कुछ धनिया इस तरीके से तैयार हो गई है, तो वो भी कभी किचन में कुछ काम होता है तो इस्तेमाल हो जाती है। फिर पूजा आरती करने के बाद गमलों में 2-4 बीज पालक के डाल दिए और थोड़ी सी धनिया डाल दी, तो ना ताजी ताजी हरी हरी धनिया भी मिल जा रही है, और कभी अप्पे वगैरह बनाने हो तो हरी पालक भी मिल जा रही है। और आज मैं नाश्ते में बनाऊंगी अप्पे, वो भी पालक डाल के। सारी सब्जी जो भी है ना फ्रिज में, वो सारी इसमें डाल के फिर अप्पे बना दूंगी। क्या करे भैया, पूछना पड़ जाता कि ये खाओगे कि नहीं, पता चलो तुम बना के रखो। स्वेटर बेटा, मोटा स्वेटर ही चाहिए, सर्दी में ना पतला तो कहीं काम नहीं देता। मैंने सारी चीजें काट ली, पालक, हरा मिर्च, धनिया, प्याज, गाजर और क्या है, टमाटर। तो तुम्हें क्या लगता है कि हमें, ये हमको कह रहे हैं कि बुढ़ापे में आपको चटक मटक चाहिए, मतलब हम बूढ़े हो गए? Yes. सुनो, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती, तुम्हारे 2-4-10 बच्चे नहीं हो जाते, तब तक हम बूढ़े नहीं होंगे। और क्या, 10 बच्चे। ये सारी चीजें डाल के मैं बना लूंगी अप्पे, और इतना हेल्दी सुबह सुबह इतनी सारी पालक पूरी ताजी ताजी, आयरन तो बढ़ेगा ना। जो भी सुबह नाश्ता करना होता है ना, शाम को ही मुझे बता देता है कि माँ सुबह नाश्ते में ये चाहिए। शाम को बोला, माँ पालक डाल के अप्पे बनाइए, अच्छे लगेंगे खाने में। तो मैंने कहा ठीक है, और मुझे भी अच्छा लगता है कि कम से कम इसी बहाने जो भी हरी सब्जी है ना, वो उनके पेट में जाती है। पालक में आयरन तो होता ही होता है, खाना भी खूब चाहिए। तो अब हरी पालक बिल्कुल ताजी ताजी, गमलों में जो 2-4 बीज डाल देती हूँ तो वो पत्ते काफी तैयार हो जाते हैं, और जब भी ऐसी थोड़ी बहुत चीजों की जरूरत होती है ना तो मिल जाता है। इस तरीके से ये ढेर सारी सब्जी डाल के मैंने बना दिए अप्पे, बहुत ही स्वादिष्ट है। साथ में चाय, क्योंकि चाय के बिना थोड़ा नमकीन कम अच्छे लगती है। तो ये सर्व कर दिया हरी चटनी के साथ गर्मा गर्म अप्पे, और इसमें मैंने प्याज डाला है, तो ठाकुर जी का भोग इसका नहीं लगाऊंगी। फिर बेटा भी बैठ के खा रहा था और मैं भी उसी के पास बैठ के ये अप्पे खाए, साथ में चाय पी। अच्छा लगता है बच्चों के साथ रहना, बच्चों के साथ खाना खाना। मेरी आदत है कि सुबह के नाश्ते से लेके रात के डिनर तक हम साथ ही काम करते हैं, साथ ही खाते हैं। वो अपने काम करता रहता है और मैं उसके आगे पीछे चीजें बनाती करती रहती हूँ। आज दोपहर में कढ़ी चावल रोटी मैंने खाने में बनाई, ठाकुर जी का भोग लगाया, और अब मुझे जाना है भागवत सुनने मंदिर। नहीं बेटा, गुनगुना पानी थोड़ा सा, काफी गर्म है, सही रहता है ना, बैठे बैठे तो पंडाल में बैठो, सर्दी लगती है तो खराश होने लग जाती है, तो गर्म पानी डाल के ले जाओ, पी के देखो थोड़ा सा, तो कम से कम ये पियो, कोई दिक्कत नहीं है, पी ले, पता चलेगा मुझे इतना गर्म वहां पी नहीं पाए, फिर जाब डालो, सही है, बहुत पी लो। अरे बस, पानी की बोतल और गोमुखी, क्योंकि जितनी देर वहां कथा सुनते है ना उतनी देर भजन करते रहते, तो एक पंथ दो काज, पर्स में पानी की बोतल गई और भजन की माला गई। तो हम तो चले, आप भी चलिए, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस समय तो मुझे टाइम मिल रहा है, और मैं तो कहती हूँ ना ठाकुर जी कृपा है, इसलिए मुझे ना भागवत सुनने जाने का टाइम मिल पा रहा है। और आज बेटे की कृपा हो गई, कह रहे माँ हम आपको छोड़ के आते हैं, आप परेशान मत हो। तो मेरा ना आने जाने का 40 रुपये किराया भी बचेगा, और ये मुझे छोड़ के आएंगे। तो आते समय ठाकुर जी जाने, जैसे आना होगा वैसे आ जाएंगे, वैसे आ जरूर जाएंगे। सो चले मंदिर। आज हम सब मोटरसाइकिल में बैठ बैठ के जा रहे हैं, कल ऑटो से गए थे, आज तो सब मोटरसाइकिल की सवारी होगी।
बहुत अच्छी भागवत सुनाते हैं पंडित जी। अगर बैठ जाओ तो लगता है बस जब तक पूरी खत्म ना हो जाए तो आओ मत। हम 2 बजे जाते हैं, शाम को 5 बजे आते हैं, मतलब 1 बजे शुरू हो जाती है और शाम को 5 पे खत्म होती है, लेकिन हम 2 ही बजे जा पाते हैं। तो घर आके हाथ पैर धुले और फिर हमने आरती पूजा की। आज ना भागवत की कथा में महाराज का वर्णन था जिसमें भगवान भोलेनाथ गोपी का भेष धर के आए थे और फिर उन्होंने भगवान कृष्ण के साथ महाराज की लीला की। साथ में था रुक्मणी विवाह, तो रुक्मणी विवाह हुआ और फिर आरती हुई, इसके बाद फिर हम घर आ गए। तो अब हमारी जो पूजा है वो हम शुरू करेंगे। आरती हो गई, अब थोड़ी देर कीर्तन करेंगे और जो भी नियम और दिनचर्या होती है ना वो सारा करने के बाद फिर मुझे बनाना है मूली के पराठे। तो मैंने मूली, गाजर, मटर और थोड़ी सी मेथी के पत्ते ये सारे चॉपर की मदद से काट लिए और मैं इसे आटे में ही मिला लूँगी। वैसे तो मिक्सी में पीस लेती हूँ तो बनाने में आसानी होती है, पर इसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई। फिर मैंने बना के रख दिए और ठाकुर जी का भोग लगाया क्योंकि इसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ा था। दूध पिलाने के बाद ठाकुर जी को शयन करवा दिया, सर्दी है ना तो इस समय वो स्वेटर पहन के ही सोते हैं। और फिर सैटरडे है, हम लोगों ने देखने शुरू किया मूवी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आप भी हमारे साथ मूवी एंजॉय कीजिए। हरे कृष्णा।